बिहार का शिक्षा निदेशालय निषादगंज, जहां हजारों की संख्या में छात्र और छात्राएं आकर के यहां शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं विशाल शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, या किस निमित्त किया जा रहा है। यहां तमाम बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, और ये लोग यहां राष्ट्रीय ध्वज भी लहरा रहे हैं। इनकी क्या मांगे हैं इसके बारे में हम जानते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का यह मामला है, और किस निमित्त यह लोग यहाँ आए हैं, किस तरह से आक्रोशित हैं, आज इसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सिघा जायसवाल है। क्या मामला है आज? यही मामला है कि सर कोर्ट में एजी सर उपस्थित नहीं होते हैं। आठ बार सुनवाई हो चुकी है, वो उपस्थित नहीं होते। हम लोग बहुत आहत हो चुके हैं सर। मतलब इस भर्ती से इतनी मानसिक प्रताड़ना मिल रही है कि क्या पूछा जाए। इतनी संख्या में आप समझ सकते हैं क्यों अभी सभी लोग शामिल हुए। आप कहाँ से आई हैं, किस जिले से? हम बेसिकली तो महाराजगंज से हैं। अच्छा जी, तो उपस्थित नहीं हो रहे हैं महाधिवक्ता जी? नहीं हो रहे हैं सर। कोर्ट में बार बार सुनवाई देते हैं। बेसिक अभिषेक, मैं संभल चंदोजी से आया हूँ, और बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने खुद कहा था कि एजी साहब कोर्ट में उपस्थित होंगे, लेकिन वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं। अब आश्वासन आप ही बताइए कब तक चलेगा। हमने आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी टीम को योगी जी से मिलवाया जाए, और हमारी टीम की बात योगी जी के पास जानी चाहिए। और जो शिक्षा मंत्री हैं और जो अधिकारी हैं, वो हमारी बात योगी जी से तक नहीं पहुंचा रहे हैं। कितनी बार आप तक प्रदर्शन कर चुके हैं सर? हम लोग 69,000 भर्ती से आपका हजारों की संख्या में जो भर्ती हैं, जो इस समय विद्यालय में होना चाहिए था, सड़कों पर दर बदर भटक रहे हैं सर। जो सरकार डबल बेंच में मेन पिटिशनर है, और जज साहब कहते हैं कि जब तक सरकार नहीं आएगी, क्योंकि वो मेन पिटिशनर हैं, तब तक आगे की कार्रवाई नहीं बढ़ेगी। और लगातार 8 सुनवाइयों से एजी साहब मौजूद नहीं हो रहे हैं, उनके पास 2 घंटे का टाइम नहीं है। और मुख्यमंत्री जी का जो मानक था कि योग्यता परक शिक्षक मिलने चाहिए, यहाँ पर हजारों शिक्षक योग्यता परक मिल रहे हैं, लेकिन अब उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। 27 तारीख को पिछले आश्वासन मंत्री जी ने दिया था, लेकिन उस आश्वासन का 3-3 न्यूज चैनलों पर, अच्छे न्यूज चैनलों पर आके उन्होंने खुलेआम बोला था एजी महोदय जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जिस दिन सुनवाई थी दूरदर्शन जैसे माने जाने चैनल पर उन्होंने आके बोला था, लेकिन उनकी बातों का सोचिए। जिस प्रदेश में एक बेसिक शिक्षा मंत्री के बात की कोई वैल्यू नहीं है, तो वहाँ के नौजवान युवाओं का क्या भविष्य है? चलिए, इनका कहना है कि कोर्ट में सुनवाई हो रही है और सरकार के तरफ से महाधिवक्ता नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमारी सुनवाई बाधित हो रही है। ऐसा ही कहना है सभी का ना? अभी कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, बताइए। त्रिपुरा यादव गाजीपुर से। हाँ जी, 8 महीने से भर्ती हम लोग की लंबित है कोर्ट में, और हम लोग लगातार योगी जी के द्वारा, जो सरकार के द्वारा तय मानक है, उसी पे हम लोग भर्ती कराने के लिए कर रहे हैं। कोई चेंजिंग उसमें नहीं करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन सर, सुसाइड करें तो क्यों ना करें सर? सर, इस बार सुसाइड करोगे इस भर्ती से पहले? क्यों नहीं सुसाइड करोगे? लड़ो, सुसाइड क्यों करोगे? सुसाइड मर्द नहीं करता है। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। रुकिए, अच्छा आप लोग शांतिपूर्वक बात करेंगे तो मैं करूंगा। या मेरा पैसा नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से बात करो। प्राइवेट नौकरी करता था सर, वो छोड़ के मैंने इसकी तैयारी की, मैंने वहाँ नौकरी रिजाइन कर दिया सर। अब वो मेरा पैसा भी नहीं आया सर, क्या करूँ मैं? चलिए, इनका यह कहना है कि गवर्नमेंट के तरफ से जो महाधिवक्ता रखे गए हैं, वह कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, इसलिए हमारी सुनवाई बाधित है, और कई बार हमारा डेट लगा और सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ से आए हैं आप? सर, मैं मेरठ से आया हूँ। अच्छा, मेरठ, क्या मामला है सर? मामला सर कट ऑफ का है सर, सरकार नहीं सुन रही है। हम कहाँ जाएँ, कहाँ मरें, कौन जिम्मेदारी हमारी, कौन बहनों की शादी कौन करेगा, कौन करेगा? अब भैया, यह है गवर्नमेंट की तरफ मुखातिब होकर के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रही हम बहने हैं, या हमारे देश की भविष्य है, और आज भी विद्यालयों में रिक्तता है, रिक्त पद हैं, और पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसके बाद भी भर्ती क्यों नहीं? क्या नाम है बेटा आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी, कहाँ से आई हो आप? हम उन्नाव से आए हैं, और यहाँ पे जितने बच्चे आए हैं वो बहुत दूर दूर से आए हैं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सरकार बिल्कुल ही निकम्मी है। सरकार बस तब ध्यान देगी जब उसको वोट चाहिए होगा। हम बच्चों ने इतनी मेहनत करी है और 9 महीने से हम लोग बैठे हुए हैं। लक्ष्मी ने कहा, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, संपूर्ण योग्यता के हम धारक हैं। हमको रोजगार चाहिए। लक्ष्मी का यह कहना है कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हमने पात्रता को धारण किया है, आपने परीक्षा किया, हमने क्वालिफाई किया, फिर नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो?
अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम प्रशांत पाठक है। प्रशांत कहाँ से आए हो आप? सर मैं देवरिया से आया हूँ। हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की जब परीक्षा कराई गई 6 जनवरी को परीक्षा हुई, हालांकि परीक्षा कराने में हम लोगों को 1 महीने का मात्र समय मिला था। हाँ। और परीक्षा के बाद आज 8 महीने हो गए हैं। हाँ। सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। हाँ। और जू नहीं, सबसे बड़ी चीज सरकार सिंगल बेंच से हार गई, 90-97 कट ऑफ लगाया गया था सरकार। सर उसमें जैसे पिछले बार 68-500 की नियुक्ति हुई, उसमें सीधा लिखा गया था कि नियोक्ता को यह अधिकार है कि यह कट ऑफ सिर्फ इस भर्ती के लिए है, मतलब जो पिछला कल। और इस बार जो लगाया गया है वो पूरी तरह से सरकार को अधिकार है, और सरकार ही जब लगाई है सरकार अपना बचाव खुद ही नहीं कर पा रही है। बताइए सरकार के लिए हम लोग कितना तक मान। और दूसरी चीज, उसके चक्कर में दूसरा एग्जाम, दूसरा कंपटीशन, हम लोग का दिमाग डाइवर्ट हो जा रहा है ना इसके चक्कर में। बार बार लोकतंत्र को बना दिया गया है। सर एक चीज और, शिक्षा मंत्री ने हम लोगों को आश्वासन दिया था, स्पष्ट शिक्षा मंत्री ने जो कहा वह नहीं किया। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम पूजा गुप्ता है। क्या है, कहाँ से आप आई हैं पूजा? सर मैं कानपुर से आई हूँ आज। अच्छा, क्या है, कितनी बार आप लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं? जी हम लोग अभी तक तो अपने लेवल पे तो कर ही रहे थे, और यहाँ पर 80 RTO आकर 2 बार कर चुके हैं। मेरा नाम प्रीति है। सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे ये जितने भी अभ्यर्थी हैं, हम लोग मतलब ये तैयारी करने के साथ साथ ही अब प्राइवेट स्तर पे जॉब करते थे, इस नौकरी के लिए हम लोगों ने वो प्राइवेट जॉब छोड़ी है जिससे हम लोगों का घर चलता था। सोचा था कि इसमें जॉब मिल जाएगी तो अच्छे तरीके से घर चलेगा, लेकिन इसमें भी जॉब नहीं मिल रही है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत दिक्कत हो रही है, सरकार को सोचना चाहिए। जी मेरा नाम भावना मिश्रा और हम रायबरेली से आए हुए हैं, और सरकार हम भी बस इतना चाहते हैं कि हम भी अपने यहाँ हक लेने आए हैं। सरकार का आश्वासन लेते लेते थक चुके हैं, आज हम अपना अधिकार मांगने के लिए आए हैं। और सरकार को इतना नहीं समझ में आता है कि जब पेपर कराना था तो 1 महीने का टाइम दिया, और अब जब पहले तो इन्होंने कहा कि हमें योग्य अभ्यर्थी चाहिए, यूपी में योग्य अभ्यर्थी नहीं, आज जब 90-97 पर प्रत्येक व्यक्ति योग्य अभ्यर्थी चाहिए और योग्यता के धारक के अलग हैं, और किसी के भीतर हिचकिचाहट नहीं है, सभी फ्लुएंटली बोल रहे हैं, चाहे छात्र हों चाहे छात्राएं। ये सरकार पूरे न्यूज चैनलों पे, डीडी नेशनल पे, हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री और हमारी पूरी शासन प्रशासन हमें आश्वासन देता रहा है हमेशा कि हम योग्यता को समर्थन करते हैं, जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 69,000 टीचर का मामला है। आप कहते हैं अगर आपको वाकई हमारे तिरंगे का, हमारे देश का अगर उत्थान करना होता तो हम लोग आज स्कूल में होते। आप सिर्फ टीवी चैनलों पर कह सकते हैं। एक बात बताऊँ, हम उस देश के वासी हैं जहाँ रोज़ ही दंगा रहता है, जहाँ रोज़ अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, या आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता है, हर दिल में तिरंगा रहता है। बताइए शुभ नाम। मेरा नाम हिमांशु विश्वकर्मा है। हिमांशु कहाँ से आप आए हो? आजमगढ़ से आए हैं। आजमगढ़ से हिमांशु आए हैं, बताइए। 29 मई को कोर्ट में एजी अपियर होते हैं और कहते हैं कि कोर्ट से कहते हैं कि हमारे पास पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है, हमको भर्ती कर दीजिए अध्यापकों की। कोर्ट अंतरिम आदेश नहीं देती है, उसके बाद कोर्ट उनको कहती है कि आइए हम भर्ती करा दे रहे हैं अध्यापकों की भर्ती के लिए 7 अगस्त 7 सितंबर। आज की डेट में प्राइमरी में बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं, अनट्रेन टीचर 10,000 रुपये पढ़ा रहा है, और बीएड और बीटीसी करके ट्रेंड बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं। अब एजी को उन प्राइमरी के बच्चों की कोई केयर नहीं है, कोर्ट 3 महीने से उनको बुला रहा है, कोर्ट में नहीं जा रहे हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि ये मई में कह रहे थे कि हमारे पास टीचर नहीं है, तो अब ये समझ लीजिए कि जुलाई अगस्त और सितंबर में केला बांट रहे हैं और नमक बांट रहे हैं, रोटी बांट रहे हैं, टीचर नहीं बांट रहे हैं। चलिए नमक और रोटी बांट रहे हैं, टीचर नहीं दे रहे हैं, तो क्या महाधिवक्ता भगोड़ा है? भगोड़ा है, महाधिवक्ता भगोड़ा है। यह मैं कह रहा हूँ यूट्यूब चैनल से ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल से ब्रजभूषण मार्कंडे, क्या महाधिवक्ता फोकट की तनख्वाह ले रहा है? महाधिवक्ता फोकट की तनख्वाह ले रहा है और शासन का गुलाम है और कठपुतली है, और क्या है? महाधिवक्ता महोदय जो करना होगा ब्रजभूषण दुबे का कर लीजिएगा, आपके पास औकात नहीं है। अगर इतनी डेट लगी तो गए क्यों नहीं? क्या कर रहे थे? घास छील रहे थे? कहाँ घूम रहे थे? क्या शासन ने मना किया था? मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज अपने फंडामेंटल
फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करते हुए और इन बच्चों को जो संपूर्ण रूप से शिक्षक की पात्रता को धारण किया है लगातार इनके परेशान करने से होने से मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और सरकार के गुड सेंस की कामना करता हूँ। धन्यवाद।